खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और केवल 60 दिन बचे हैं लोकसभा चुनाव में, और इस बीच पीएम किसान योजना के तहत बीजेपी अब किसानों को अपने पाले में करने के लिए एक नई रणनीति पर काम कर रही है। क्या है वो रणनीति, वो भी दिखाते हैं आपको। चुनाव से पहले लोक लुभावन बजट पेश करने के बाद केंद्र सरकार किसानों को खुश करने में जुट गई है। बजट में किसानों के लिए सालाना 6000 रुपए का ऐलान हुआ था। अब मोदी सरकार पीएम किसान योजना के तहत अप्रैल तक किसानों के खातों में 2 किश्त भेजने की योजना बना रही है। चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए देश भर के किसान 1 किश्त के हकदार हैं। सरकार चाहती है कि 31 मार्च को वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले 1 किश्त किसानों के खाते में भेज दी जाए। अप्रैल से शुरू हो रहे वित्तीय वर्ष 2019-20 में किसान एक बार फिर 3 किश्तों के हकदार हो जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि सरकार को पहली किश्त अप्रैल से जुलाई के बीच किसी समय किसानों के खाते में भेजनी होगी। मोदी सरकार चाहती है कि इसके लिए जून या जुलाई तक का इंतजार न किया जाए, इसलिए अप्रैल में ही किसानों के खाते में 2000 रुपए की पहली किश्त भेज दी जाए। माना जा रहा है कि अप्रैल के पहले सप्ताह से मतदान चल रहा होगा। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार का कहना है कि किसानों के खाते में पैसे भेजने पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होगा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।